हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। आज हम अपने चैनल पर एचडी अदब मैथ शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका आपको हर चैप्टर मिलेगा। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा और हर चैप्टर का हर क्वेश्चन कवर करा जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, सीरियल वाइज क्वेश्चन कवर करे जाएंगे। क्वेश्चन शुरू से पहले क्वेश्चन से शुरू करा जाएगा, ठीक है, और लास्ट तक मैं आपको हर क्वेश्चन कराऊँगा। और किसी भी क्वेश्चन में हम एक्स नहीं मानेंगे, बिना एक्स के हम पूरा एचडी अदब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक ही मेथड बताऊंगा आपको और पूरा मैथ उससे ही ख़त्म करूंगा, आप देखना। ठीक है, ओनली फ्रैक्शन मेथड से। तो ज़्यादा मैं बोलूंगा नहीं, तो इतना ही कहूंगा, अगर आपको ये मैथ कवर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं रोज़ वीडियो डालूँ और रोज़ आप एक वीडियो देख सकें और आपका एचडी अदब मैथ कंप्लीट हो सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर एचडी अदब का। पहला चैप्टर करेंगे हम प्रतिसत्ता। कौन सा? प्रतिसत्ता, प्रतिसत्ता। ठीक है, तो इसके मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो याद रखनी है, ज्यादा दिमाग में तुम्हारे भरूंगा नहीं मैं, जो तुम भी कंफ्यूज रहो। ठीक है, और तुम्हारी भी कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, कुछ ही बताऊंगा मैं जो आपके याद रहनी चाहिए। ठीक है, 1-5% की फ्रैक्शन याद रहनी चाहिए, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आती हैं। 5% की फ्रैक्शन 1/20 याद रखनी है आपको डायरेक्ट, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन कौन सी परसेंटेज की है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 15% की फ्रैक्शन 3/20, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, और 40% की फ्रैक्शन 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी है? 2/5। ठीक है, और ये देखेंगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 है, और 60% की फ्रैक्शन 3/5 है। बस तुम्हें ये याद रखनी है, और तो तुम खुद निकाल भी सकते हो, और मैं तुम्हें निकाल के बता दूंगा ये फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो मैं बता भी देता हूँ तुम्हें अभी, जिससे आपको कोई भी परसेंटेज आए चैप्टर कोई भी से भी क्वेश्चन में, अगर परसेंटेज आए किसी की भी, तो हम निकाल सको कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम फ्रैक्शन वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं, जैसे हम 25% की 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। ठीक है, 25% अगर हमारे क्वेश्चन में आया, ठीक है, हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, तो हम कैसे बताते हैं? ठीक है, कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले तो ये लिख लेंगे, ठीक है, जो है 25 परसेंटेज हटाने के लिए, जब परसेंटेज हटाते हैं, ये परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो इसके बट्टे में क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है, ठीक है, जब परसेंटेज हटाते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो नीचे क्या लगाते हैं? 100। अब हम काट लेंगे इसे, 25 चौका 100 कितनी आ जाएगी? 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब तो निकाल भी सकते हो आप, अगर ना भी याद रहती किसी वजह से तो निकाल भी सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, और 30% की निकालनी है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जब हम 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या बताया था मैंने? 30 लिख दिया, और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा? 3 बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा? 10। कितना आ जाएगा? 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/10। किसी की भी निकल पाए तुमसे डायरेक्ट निकाल देनी है, अगर याद भी नहीं रहती, वैसे तो कमी बताई है मैंने, उन्हें याद भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे 35% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, 35% क्वेश्चन में दिया है, इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया तुमसे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बस यो ही एचडी अदब में, और कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन से पूरा मैथ खत्म है तुम्हारा। ठीक है, 35% की 35 लिखेंगे,
फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंटेज हटाएंगे, नीचे के लगाएंगे 100, ठीक है। 5 7 35 और 5 2 10, 7/20। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/20, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, बस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। एक बात क्या याद रखनी है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, ठीक है, जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 10/ नीचे परसेंटेज हटाएंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, 100। अब 1 0 से 1 0 तो ये कट गया, तो कितना बचेगा, 1/10। अब तुम्हें बस एक ही बात याद रखनी है, नीचे वाला जो होगा ना हर, ठीक है, हर जो होगा ना ये कुल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कुल होता है, ठीक है। ऊपर की वैल्यू जो होगी अंश की, ठीक है, अंश की वैल्यू जो होगी ये परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन। बस इतनी सी बात याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। जैसे 1/10 है तो ये तो हो गया कुल, ऊपर की जो होती है परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है। या तो ये घटेगा, ठीक है, इतना घटाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है, कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा तो वो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ठीक है। वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है, तो बहुत ही ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एच डी यादव का ये है, कौन सा चैप्टर शुरू करा हमने, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हमारा 6 या 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, रोज एक वीडियो दूंगा, ठीक है। जब तुम परसेंटेज मैथ खोलोगे अपना तो सबके पास ही होगा परसेंट इसका मैथ, तो ठीक है, एच डी यादव का मैथ सबके पास होगा। जब एच डी यादव में तुम परसेंटेज चैप्टर खोलोगे तो उसके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सेम एक ही तरह के क्वेश्चन होने, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया बस कुछ भी नहीं, 20% की फ्रैक्शन बता दो मुझे कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन अभी बताया था, अब बार बार नहीं बताऊंगा, पीछे जाकर देख लेना वीडियो में, वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। 1/ कितनी होती है, 1/5, कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5, ठीक है। कुल मजदूरी कितनी थी उसकी, मैंने बताया था नीचे वाले क्या होता है, कुल होता है, ठीक है। कुल मजदूरी कितनी थी, 5। कटौती कितनी, मैंने बताया कटौती की गई ना, क्या की गई, कटौती, एक की कटौती की गई है, मैंने बताया था परिवर्तन होता ऊपर वाला, ठीक है। कटौती कितने की करी गई, एक की, तो जब एक की कटौती करी गई 5 में से तो उसकी मजदूरी कितनी हो गई, अब 4। यहाँ तक क्लियर है, पहले मजदूरी कितनी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे बोला है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, ठीक है, ये मजदूरी जो है 4, अब 5 करने के लिए, ठीक है, पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, इसका मतलब 5 करना है, ठीक है, 5 करने के लिए कितने वृद्धि करनी होगी, ठीक है। पहले के बराबर करने के लिए 4 से 5 करने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 की। किस में करनी है वृद्धि, हमें 4 में तो करनी है, 4 से 5 करने के लिए 4 में तो वृद्धि कर रहे हैं ना हम, 1 की, किस पे, 4 पे। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करते हैं 100 से, ठीक है। अब 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, 25%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इस पे फ्रैक्शन भी खत्म कर दूंगा पूरा मैथ, अगर समझ में आ रहा हो तो तुम्हारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कुछ भी नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ा है ऐसा देखा क्वेश्चन और क्या लिख दिए, फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है ना, ये लिख रहा है कम, ठीक है। पहले कितनी थी, 3, कुल थी 3,
कम कितनी हो गई, एक कम होगी तो कितनी होगी, दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए का वेतन बी के वेतन से कम है। ठीक है, कौन किसका वेतन कम है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है। ठीक है, किसका कौन सा वेतन कम है, ए का वेतन बी के वेतन से, ठीक है, बी के वेतन से कम है, इसका मतलब बी का वेतन तीन, ए का वेतन दो। ठीक है, यही तो बोल रखा क्वेश्चन में, ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है। ठीक है, तो कम है, अब क्वेश्चन बोला गया तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, एक, एक ज़्यादा है ना, किससे ज़्यादा है, दो से, जिससे ज़्यादा होता है उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, किससे ज़्यादा, दो पे, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा सौ, कितनी बार कट जाएगा, पचास आ जाएगा, 50%, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 50%, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, क्या लिखना, 10% की फ्रैक्शन, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, घटाया गया है ना, तो ठीक है, पहले कितनी थी 10, एक की कमी, कमी ऊपर वाली होती है, मैंने बताया था, एक की कमी कितनी होगी 9, बस इतना आ जाना चाहिए तुम्हें, पूरा मैथ खत्म है ये समझ लेना, अगर तुम इतना जान गए ना, ये समझ लो तुम सब कुछ जान गए मैथ में। ठीक है, कुल कितनी थी 10, कमी कितनी, घटाया गया है 1, घटाया गया कितना करती है 9, अभी कह रहा है पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितनी प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये पुराना दाम था, ये नया दाम, ये कह रहा है अब नया दाम जो है इसे पुराने दाम में लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो मैंने देखा कितना बढ़ाना होगा, नए दाम को पुराने में लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 9 से 10 करने के लिए 1, किस में बढ़ाना है, 9 में ही तो बढ़ाना है ना, 9 में गुणा में 100। ठीक है, जब हम 100 को डिवाइड करेंगे, 9 ही करना 9, 9 ही करना 9, 1/9, 11 सही, 1/9%, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, 11 सही, 1/9%, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है, पर मुझे तो सारे क्वेश्चन कराने। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा और 10% की फ्रैक्शन लिख दी 1/10, अभी कह रहा है 10% घटा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, वैल्यू कितनी थी, 10 थी, कुल कितनी थी, 10, घटा कितनी आती है 1, ऊपर वाला बताया था मैंने, चेंजेज होता है ऊपर वाला। ठीक है, 1 घटा दी जाती है, कितनी हो गई 9, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। ठीक है, नई कीमत तो ये है ना, पुरानी कीमत ये थी, अब ये कह रहा है इसे मूल कीमत थी 10। ठीक है, नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी पुरानी कीमत में लाने के लिए। ठीक है, तो 9 को 10 करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे करनी पड़ेगी, 9 में तो कर रहे हैं ना, किस में वृद्धि कर रहे हैं, 9 में, गुणा में क्या आ जाएगा 100, पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल आंसर सेम वही आएगा, कितना आ जाएगा, 11 सही, 1/9%, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। गुड्स गार्ड में आया क्वेश्चन है ये भी, सबसे पहले क्या करना, 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 10% की फ्रैक्शन 1/10, क्या लिख रहा है, कम, तो 10 से कितनी हो गई, 1 की कमी, ठीक है, कितनी होगी 9। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना ना, बिल्कुल और इजी बनाना है, तो यहाँ पे देख लेंगे बढ़ाना है क्या, प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, तो 9 में बढ़ाएंगे ना 10 करने के लिए, 10 में से तो घटाएंगे ना 9 करने के लिए, पर हमें क्या है, बढ़ाना है, तो किस में बढ़ाना, 9 में ही तो बढ़ाएंगे ना, 10 में से तो घटाना पड़ता ना 9 करने के लिए,
अब इसने बोला कितने प्रतिशत बढ़ाना है, तो हम किस में बढ़ाएंगे, 9 में तो बढ़ाएंगे ना, 9 में बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 10 करने के लिए 1 की वृद्धि करेंगे, किस पर करेंगे, 9 पे गुणा में 100 परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगाते हैं गुणा में, ठीक है, बिल्कुल वही कितना आ जाएगा, भाग देंगे 9 का ना 9, बच्चे फिर 10 हो गया, 9 का ना 9, 1/9%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 11 से ही 1/9%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, ठीक है, 40% की फ्रैक्शन बता दो बस मुझे कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 2/5, अगर नहीं हो तो पीछे देख लेना, और बताया मैंने कैसे निकालते हैं, ठीक है, 2/5, कुल कितनी है, कुल कितनी, 5, मैंने बताया था कमी और वृद्धि क्या होती है, ऊपर वाली 2 की कमी कितनी हो गई, 3। अब क्या रखा इसमें, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम शुरू में क्या बोल रखा है, ए की आय बी से 40% कम है, बी से कम है ए की आय, ठीक है, बी से कम है ए की आय, तो बी की आय तो ये होगी ना, जो कम है वो ए होगा, यदि ए की आय बी से 40% कम है, इसका मतलब बी 5 हो गया और ए कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, तो ये कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, कितने अधिक है, 3 से 5 करने के लिए कितना अधिक करना पड़ा, 2, कितने अधिक है, 2, किस पर अधिक है, 3 पे, ठीक है, किस पर अधिक है, 3 पे, गुणा में के लिखते हैं 100 परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 200, नीचे कितना आएगा, 3, जब इसे हम भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, बचे कितने, 2 हो गए 20, 3 × 6 = 18, बचे कितने, 2, भाग में कितना आ जाएगा, 3, 66 से ही 2/3%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 66 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, तो ध्यान से रखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार समझने की देरी है बस, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अधिकारी के वेतन में 20% वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 20/1/5, ठीक है, क्या करी गई है, आपके वृद्धि करी गई है, ठीक है, कितने की, ऊपर वाली होती है वृद्धि कमी, वस्तु कितनी थी, 5, 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 6, ठीक है, कितनी थी, 5, 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 6, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए उस कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है, 6 को 5 करने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, पहले के वेतन के बराबर लाना है ना, ठीक है, उसे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है, अब तुम यहाँ से देख लोगे, अगर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना तो यहाँ से देख लोगे, 5 से 6 करने के लिए तो वृद्धि करनी पड़ेगी और 6 से 5 करने के लिए कमी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो कम किस में से करूँगा मैं, 6 में से ही तो करूँगा, 6 में से कितना कम करूँगा, 5 करने के लिए 1 कम करूँगा ना, किस में से, 6 में से गुणा में 100, ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, ठीक है, 50/3 आ जाएगा, कितना आएगा, 50/3, जब इसे भाग देंगे 50/3 तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है, कितना आएगा, 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट ही तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन,
20% फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5, ठीक है। वृद्धि करी गई है तो डायरेक्ट लिख दोगे 5 से 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले तुम्हें पूरी लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो चीनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, ठीक है। तो चीनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, अब तुम मुझे ये बता दो, 5 से अगर मैं 6 करूँगा तो वृद्धि करूँगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी, तो ये बताओ मुझे, 5 से 6 करूँगा वृद्धि करूँगा तो कमी करनी है, तो इसका मतलब मुझे 6 से 5 करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा ना कमी करनी है तो, ठीक है। कमी करनी है 6 से 5 करना पड़ेगा, और वृद्धि करनी होती है तो 5 से 6 होता, ठीक है। कमी करनी है, ठीक है। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी, किस पे हो रही है, 6 पे गुणा में 100, ठीक है। कितना जाएगा, 16 से ही भाग दे लेना, 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 100 को भाग कर लेंगे 6 से या 2 से काट लेना, 2 × 3 = 6, 50, फिर 50 को भाग दोगे 3 से तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, वृद्धि की जा रही है तो 5 से 6, ठीक है, 5 से 6, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाली व्यय में कोई वृद्धि न हो, ठीक है। क्या करना है, कमी करना है, कमी करना है, ठीक है। तो 6 पे तो कमी करूँगा मैं, 6 में से तो कम करूँगा, जब भी तो 5 होगा, अगर 5 में वृद्धि करूँगा तो 6 होगा, पर यहाँ क्या करनी है मुझे, कमी करनी है। तो कमी किस में करूँगा मैं, 6 हो रहा है, 6 से 5 करने के लिए कमी करनी पड़ेगी, कितने कम करनी पड़ेगी, 1 की, किस पे करनी पड़ेगी, 6 पे गुणा में 100, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना जाएगा, काट लेंगे इसे, 50/3, 3 से भाग देंगे, 16 से ही 2/3%, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मत पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या बताया मैंने, फ्रैक्शन 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक है। बढ़ोतरी करनी है, यहाँ बढ़ लिखा गया, ठीक है, बढ़ गया, तो इसका मतलब कुल 4 था, कितना हो गया, 5। अब लास्ट में देखना है क्या हो जाए, प्रतिशत कमी बोला ना यहाँ पे, क्या बोला है, प्रतिशत कमी, कमी। अब ये बताओ मुझे, कमी 4 में करूँगा या 5 में करूँगा मैं, अगर 4 से 5 करने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, और 5 से 4 करूँगा जब भी तो कमी होगी, ठीक है, 5 को 4 करने के लिए तो कमी करनी पड़ेगी, 4 को 5 करने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी ना, पर यहाँ क्या बोला हमारा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, प्रतिशत कमी, ठीक है, तो 5 में तो करूँगा मैं कमी, ठीक है, 5 में कमी करूँगा, कितने की कमी करूँगा, 4 करने के लिए 1 की कमी, किस पर करूँगा, 5 पर, ठीक है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 5 से काटेंगे से, 5 × 10, 20%, ठीक है, 20%, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, ठीक है, क्या बोला, अधिक, कुल कितनी थी, 10, 10 में जब 3 की वृद्धि, ठीक है, ऊपर वाला मैंने बताया था कमी या वृद्धि होती है, 10 में 3 की वृद्धि कितनी हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमें, कुछ ध्यान नहीं करना, यहाँ देखना हमें क्या बोला है, प्रतिशत कमी बोला है ना, क्या बोला है, प्रतिशत कमी, तो अब ये बताओ मैं कमी 10, 13 में ही तो करूँगा, 10 करने के लिए
कमी 13 में ही तो करूंगा 10 करने के लिए, या 10 में 10 से 13 करने के लिए तो वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, इन आपस में इन दोनों को करते हैं कमी और वृद्धि। ठीक है, 13 से कितनी कम करूं जो 10 हो जाए। ठीक है, कमी बोलाना है यहाँ पे, कमी बोलाना, तो यहाँ पे देखें हम किस में से करनी पड़ेगी कमी। ठीक है, 13 में से कितना कम करूं जो 10 हो जाए। ठीक है, आप कहोगे 3 कम करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा 13 में। ठीक है, गुणा में फिर क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 3 की गुणा 100 में होगी 300, नीचे कितना आ जाएगा 13। जब इसे डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, बचेंगे कितने 4, हो जाएगा कितना 40, 13 3 39, 23 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, नीता बीता कुछ भी लिख रहा हो, ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, क्वेश्चन पे ध्यान देखना बस, क्वेश्चन टाइप कौन सा है। 25% देखा, लिख दिया 25% की फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। वृद्धि करी जा रही है ना, यहाँ पे देखा वृद्धि, 4 में 1 की वृद्धि कितनी हो गई 5। ठीक है, यहाँ पे देखना है कमी बोला है बढ़ोतरी बोला है, कमी बोला है वृद्धि बोला है। ठीक है, अभी कह रहा है कितना कम होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत कम होगा, तो क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, अब इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में आपस में ही करते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत कम होगा, तो मैं 4 से अगर 5 करूँगा तो वृद्धि करूँगा। ठीक है, अगर इसमें वृद्धि बोलता तो मैं 4 पे लेता। ठीक है, 4 में 1 की वृद्धि। ठीक है, पर यहाँ पे क्या बोला है इसने, क्वेश्चन बोला है कितने प्रतिशत कम होगा, तो 5 में से तो कम करूँगा मैं 4 करने के लिए, 5 में ही तो कम करूँगा 4 करने के लिए। ठीक है, कितना कम करूँगा 5 में 4 करने के लिए, 1 कम करूँगा, किस पे कम करूँगा, किस में से कम कर रहा हूँ मैं 5 में से। ठीक है, किस में से कम कर रहा हूँ 5 में से, गुणा में 100। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा 20%, कितना जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोग को, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 60% की फ्रैक्शन मैंने पीछे बता दी कितनी होती है, 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5। ठीक है, कितनी होती है 3/5। जब चीज शुरू करिए, वीडियो के शुरू में दे रखा है मैंने सबकी फ्रैक्शन, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, कितनी होती है 3/5, और मैंने निकालना ही बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 3/5 होती है, अब ये बढ़ोतरी करेगी। ठीक है, 5 थी, मैंने बताया ऊपर वाली कमी है वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि कितनी हो गई 8, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे क्या बोल रखा है। ठीक है, उसने लास्ट में क्या बोला, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने ही कमी करूँगा मैं, कितने कमी करूँगा 8 से 5 करने के लिए, कितनी कम करनी पड़ेगी 3 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी कमी करनी पड़ेगी 3 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, किस पे करनी पड़ेगी 8 पर, गुणा में क्या लिखते हैं, परसेंटेज बनाने के लिए 100 लिखते हैं। ठीक है, 4 से काट लेंगे, 4 2 8, ये 25, 25 गुणा किस में करेंगे 3 में, 25 3 75 भाग 2 कितना जाएगा जब इसे काटेंगे 37.5। ठीक है, 37.5, जब क्षेत्र को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 37.5, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि तेल के मूल्य में 25% वृद्धि, ठीक है, 25% की फ्रैक्शन बताओ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, वृद्धि बोला है तो वृद्धि करनी पड़ेगी 4 से 5। ठीक है,
चार से पाँच कर दी। और क्या बोला यहाँ पे, यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, ठीक है यहाँ पे क्या बोला, कमी करें, क्या करें कमी, तो ठीक है चार से पाँच करूँगा वृद्धि हो जाएगी, पर यहाँ बोला कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो पाँच में तो कमी करूँगा मैं चार करने के लिए, पाँच में एक तो कमी करूँगा चार करने के लिए, कितनी कमी करूँगा एक की, किस में कमी कर रहा हूँ पाँच में, परसेंट ही बनाने के लिए 100 से गुणा, 5 × 10 20%, ठीक है ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, ठीक है अधिक अधिक बोला ना अधिक, ठीक है तो चार से कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, खुद पता चल लिया होगा अब तो, 15 क्वेश्चन कर चुके सेम, एक की वृद्धि कितनी होगी पाँच, अभी बोल लिया है क्या बोला इसने कम, यहाँ देखें क्या बोला कम, अगर इनमें तुम्हें कन्फ्यूजन होता है ना बी किया ए किया इससे कितने प्रतिशत कम, तो बस यहाँ तक क्वेश्चन लिख रहे थे और यहाँ देख लो क्या बोला, कम बोला है ना, कम बोला है ना, तो किस में कम करूँगा मैं, चार से पाँच करने के लिए वृद्धि हो जाएगी, पाँच से चार करने के लिए कमी करनी पड़ेगी, ठीक है कमी किस में करनी पड़ेगी, पाँच में चार करने के लिए, ठीक है कितने की कमी करनी पड़ रही पाँच से चार करने के लिए, एक की कमी किस पर करनी पड़ रही है पाँच पे, ठीक है परसेंट ही बना लेंगे 100 से गुणा करते हैं, 5 × 10 ठीक है 20%, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए 15 क्वेश्चन थी, ठीक है रोज ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन रोज आपको मिलेंगे, ठीक है और एच डी यादव का मैथ हम इसी तरीके से फ्रैक्शन मेथड से पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।